शहरे ओलिया में स्मोक का राज बरकरार, आलूदा तरीन शहरों में आज भी मुल्तान पहले नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 496 पॉइंट्स रिकॉर्ड। शदीद स्मोक के बायस हद निगाह 500 से 900 मीटर तक रह गई। महकमा मौसमियात के मुल्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की पेशगोई। जुनूबी पंजाब में स्मोक के डेरे, धुआं छोड़ती गाड़ियां स्मोक का बायस बनने लगी। शहरी सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्कूल के बच्चों को भी परेशानी का सामना। महकमा एजुकेशन ने तलबा को मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी। मियांवाली में डॉक्टर्स की शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मौसम ऐसा बना हुआ है तो स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, इससे हमें जो ज़्यादातर जो मरीजों की तादाद बढ़ रही है उसमें यह है कि आँखों के अमराज, इसके साथ साथ नाक की इरिटेशन, एलर्जी और छींकें आना, और ख़ास तौर पर वो मरीज जो पहले से किसी बीमारी में सांस की, उनके लिए तो ये ज़्यादा खतरनाक है। मियांवाली में तारकीन वतन की वापसी का मरहला जारी। 5 अफगान बाशिंदों को टूरिज्म बॉर्डर रवाना कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उसामा मजीद चीमा कहते हैं, सर्वे में 228 अफराद सामने आए थे। 48 अफगान बाशिंदे डेडलाइन से कबल वापस चले गए। 6 बाशिंदों की तस्दीक के बाद फैसला किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ से 12 अफगान शहीद अजाकाराना तौर पर वापस चले गए। हमारे पास 228 का इनिशियल सर्वे हुआ था, उसमें से ऑलमोस्ट कोई 130 लोग हैं जो अभी तक पिछले 2 दिनों में हमारे पास कैंप में आए हैं। उनकी स्क्रूटनी करने के बाद कोई 5 लोग हैं जो बिल्कुल इलीगल हैं, 6 लोग हैं जिनकी स्क्रूटनी अभी FIA, नादरा और बाकी इदारे कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद की निशानदेही के लिए सर्च ऑपरेशन का फैसला। कमिश्नर DJ खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की जिले सदारत वीडियो लिंक इजलास। गैर मुल्कियों को पनाह, अमला किराए पर देने और माहौलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कवायद की जांच पड़ताल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का लाही अमल तैयार। कौमी एयरलाइन को ईंधन की अदम दस्तियाबी मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। PIA को ईंधन की अदम दस्तियाबी का मसला हल ना हो सका। बैरून मुल्क जाने और आने वाली 2 परवाजें मंसूख कर दी गई। नवाबों के शहर में सियाहत को फरोग देने के दावे धरे के धरे। साइटसीइंग बस सर्विस 7 माह बाद भी ऑपरेशनल ना हो सकी। बहावलपुर के शहरी बस की मौजूदगी से भी लाइल। बस 7 माह के दौरान सिर्फ 20 टूर ही कर सकी। TDCPR रीजनल इंतजामिया बस को हफ्ता में 1 दिन चलाने में भी नाकाम। रेलवे मुल्तान डिवीजन इंतजामिया की लापरवाही। रेलवे स्टेशन पर नस्ब इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन गैर फाल। टिकट मशीन को फाल करने के बजाय कवर लगाकर ढांप दिया गया। मुसाफिर भी रेलवे इंतजामिया से नाला। हारूनाबाद का रेलवे स्टेशन बेबसी की तस्वीर बन गया। 1927 में तामीर की जाने वाली बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। दरवाजे खिड़कियां तक गायब। इमारत भूत बंगले का पेश मंजर पेश करने लगी। शहरियों का इमारत की तामीर और मरम्मत का मुतालबा। रेलवे अहलकार फंड ना होने का रोना रोते रह गए। टैक्स ना दहिंदगान और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा एक्साइज मुल्तान का जनरल होल्डअप। 511 गाड़ियों की चेकिंग, 95 गाड़ियां डिफॉल्टर निकली। 4 करोड़ से जायद वाजिबात वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करवा दिए। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने पर इत्तफाक। साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गलानी ने फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। 10 सितंबर तक टिकट्स फाइनल कर ली जाएंगी। आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। उम्मीदवारों ने भी कमर कसी। अवामी राबता मुहिम शुरू कर दी।
साबिक एमपीए जावेद अख्तर इंसारी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं 5 साल अपोजिशन में रहा, दूसरी बार हलका में तरक्याती काम करवाए, दोबारा मौका मिला तो सेहत पर काम करूंगा। जमात इस्लामी इंतखाबात में मुकम्मल हिस्सा लेगी। मुल्तान में रहनुमा जमात इस्लामी इंजीनियर आतिफ इमरान की रूही से गुफ्तगू। कहा, हमारे उम्मीदवार कंपेन का आगाज कर चुके हैं, मुल्तान की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। चिश्तिया में मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपी एहसानुल हक बाजवा की शहबाज शरीफ से मुलाकात। हल्का पीपी 244 के अहम मौजूद पर गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम की हल्का में भरपूर अंदाज के साथ अवामी राबता मुहिम चलाने की हिदायत। एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावुन से मुजफ्फरगढ़ में सीवरेज निजाम की असर नो तामीर। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज की जेर सदारत मुशावरती इजलास। माहरीन समेत पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और दीगर अफसरान की शिरकत। सीवरेज निजाम की असर नो तामीर के लिए लाहे अमल तैयार। कानून की तालीम के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर। जामिया ज़करिया मुल्तान के यूनिवर्सिटी गिलानी लॉ कॉलेज में डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रिंसिपल डॉक्टर समजा फातिमा की रूही से गुफ्तगू। कहा, जनूबी पंजाब में पहली दफा कानून पर डिप्लोमे शुरू किए जा रहे हैं। डिप्लोमा 1 साल का होगा, वीकेंड क्लासेज भी होंगी। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हफ्तावार ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का इनेकाद। कायद आसम मेडिकल कॉलेज में खदमत मरकज, मोबाइल वैन और ट्रैफिक पुलिस अमला लाइसेंस बनाने में मसरूफ। यंग डॉक्टर एसोसिएशन बहावलपुर के रहनुमा कहते हैं, डॉक्टरों की खिदमात अव्वलीन तरजीह है। अगले हफ्ते सादिक अब्बासी अस्पताल में कैंप लगाया जाएगा। आवाम की पुलिस तक रसाई यकीनी बनाने का अज़्म। डीपीओ बिहाड़ी मोहम्मद ईसा खान का दौरा मेलसी। खुले कचहरी में शहरियों की शिकायत पूरी हल करने के अहकाम जारी किए। उधर डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू का तहसील ऑफिस का दौरा। साइलीन के मसाइल सुने, ईमानदारी से अपने फराए सर अंजाम देने और साइलीन के मसाइल हल करने की सख्त हिदायत। स्मोक के रोकथाम का मिशन, मोटरवे पुलिस भी अलर्ट। बस्ती मलूक में स्मोक बारे आगाही मुहिम शुरू कर दी। मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। खानीवाल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। हर शख्स को अपने हिस्से के 2 पौधे लगाने की हिदायत। यूनी लेवल के तावुन से 2000 पौधे लगाए जाएंगे। और स्कूल ओलंपिक्स की शमा बिहाड़ी के हवाले कर दी। खानेवाल में तकरीब, डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की बतौर मेहमान खसूस शिरकत। तलबा और तालिबात की खूबसूरत परफॉर्मेंस, शानदार अंदाज में मेहमानों को वेलकम किया। ओलंपिक्स मशाल कल बहावल नगर पहुंचेगी।